सनको गाइस इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद से। सो जी गाइस हम लोग मैथ्स समझते आ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यू रखनी है, समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप हर प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझ सकें, सीख सकें। सही है गाइस। सो आइए हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में जो सीखेंगे वो देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम आज हम समझने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 समझते आ रहे कंटिन्यू, जिसका आज की क्लास में समझेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझना है। एक थ्योरी स्टेटमेंट तीन लाइन लिखी हुई, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, थॉरली सिंपली रीड करेंगे, समझेंगे क्या बोल रहा है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, एंड देन डिसाइड करेंगे कि हम कैसे फाइंड करें, जो गिवन है उनके हिसाब से फाइंड कैसे करेंगे। सही है, रेडी है समझने के लिए? रेडी नहीं है तो रेडी हो जाए, चलना कहीं नहीं है घूमने, रेडी हो जाए। मतलब ये है कि समझने के लिए तैयार हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज नोट करते जाए, ठीक, एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे ताकि हर चीज आप समझ सके। जरूर नहीं कि हर चीज आप नोट करते जाए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, माइंड से वो लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए फुली कंसंट्रेशन से बैठे ताकि समझने की कोशिश करें क्या गिवन है, कैसे सॉल्व हो रहा है, क्यों सॉल्व हो रहा है, ठीक है, एंड आप इजीली समझ सकें। तो मेरी कोशिश यही होगी कि सिंपली इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगा, जितना सिंपल हो सके उतना, मगर कोशिश आपको भी साथ साथ करनी है। फुली कंसंट्रेशन से बैठे हैं समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज समझ में आ जाए, जरूर आ जाएगी कोशिश करेंगे तो। सही है, एग्री है, आइए समझते साथ मिलकर। अब देखिए जो क्वेश्चन गिवन है, पहले इसको रीड कर रहा हूं कि गिवन क्या है एंड देन फाइंड कैसे करें। डायग्राम की अगर जरूरत पड़ी तो डायग्राम भी ड्रा करेंगे, डायग्राम मस्ट है। सही है, आइए। तो कह रहा है कि ए जो है इस मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बाउंडेड बाय -2, 3 एंड 6, -1। ए लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट से बाउंडेड है, इस लाइन सेगमेंट की दो एंड पॉइंट है, ये इस लाइन सेगमेंट की ए जो है मिड पॉइंट है। अरे बस ए इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, देखिए एक लाइन सेगमेंट में ड्रा कर रहा हूं, इज बाउंडेड बाय -2, 3 एंड 6, -1। अब लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से बाउंडेड है, मतलब ये एक लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट से ज्वाइन है, ज्वाइन हो रही है। सही है, अब इस लाइन सेगमेंट में पॉइंट ए जो है वो मिड पॉइंट है, रफली आप कह रहे हैं मिड पॉइंट यहां पर है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ए इज अ मिड पॉइंट, रफली यहां पर लोकेट किया, एक एक कोऑर्डिनेट्स x, y गिवन नहीं है, x, y रफली लिखा है। सही है, ये आई बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे क्या है, उसके बाद कह रहा है कि b इज पॉइंट, अब b एक और पॉइंट है, वो कहां पर है, b इज पॉइंट एट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 4, 1 टू 0, -3। b जो पॉइंट है 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 4, 1 टू 0, -3, मतलब एक और लाइन सेगमेंट है, चलो एक और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 3 एंड 0, -3। सही है, पॉइंट लिखी लाइन सेगमेंट। अब b जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पे, चलो b पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे है, तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं b इस जगह पे है, इजी टू कोऑर्डिनेट x, y, ठीक। अब b इज पॉइंट एट 3/4 का मतलब क्या है, 3/4। अब इसका मतलब क्या है ये समझना है, ठीक है। अब 3/4 का मतलब ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के नाम दे रहा हूं r, s, p, ये नाम अपने दस नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब पॉइंट b जो है ये r, s जो नाम दिया है इस लाइन पे 3/4, 3/4 3/4 का मतलब ये लाइन सेगमेंट डिवाइड में जो नंबर है 4 है, तो लाइन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, लाइन के कितने पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट पे पॉइंट बी है,
तो मींस पॉइंट अ से लेकर पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है या बीच में गैप है वो थ्री पार्ट्स है, थ्री फोर्थ। टोटल पार्ट कितने? चार। थर्ड पार्ट पे डी है, बाकी रिमेनिंग पार्ट कितने रह गए? बाकी रिमेनिंग पार्ट रहा एक, वन। टोटल चार है। आ रही बात समझ में? थ्री डिवाइडेड बाय फोर का मतलब ये है, ये जैसे लाइन से चार पार्ट में डिवाइड की हुई है, फोर डिफरेंट पार्ट में लाइन को डिवाइड किया हुआ है। ठीक, पॉइंट ए से लेकर यहां तक जो पॉइंट बी तक वन टू थ्री तीन पार्ट है, बाकी रिमेनिंग कितने पार्ट बचे? एक। रिमेनिंग एक पार्ट का सही है, थ्री फोर्थ का मतलब ये है। लाइन टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, पॉइंट बी तक स्टार्टिंग से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो थ्री है, बाकी रिमेनिंग फोर में से थ्री आ गए, बाकी एक रहा वन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है पॉइंट बी का जो डिस्टेंस थ्री फोर बोल रहा है उसका मतलब ये है, मींस पॉइंट बी जो है आर एस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है थ्री रेशो वन में, थ्री फोर का मतलब ये है थ्री रेशो वन में डिवाइड कर रही है। ठीक, इन दोनों रेशो को आपस में प्लस करने से आंसर आपको मिलना चाहिए फोर जो डिवाइड में। आई बात समझ में? ठीक, तो इसका मतलब ये है। उसके बाद करना क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। अब ए पॉइंट ही है, बी पॉइंट यहां है, तो ए को बी से मिलाएंगे, ये एक लाइन सेगमेंट बनी। तो फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है, इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये है क्वेश्चन में गिवे। ठीक है, तो सारा ये क्वेश्चन था। आई बात समझ में? सिंपल है, बस मेन चीजें आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। तो समझा हमने क्या गिवन है, अब आई बात फाइंड कैसे करें। अब इस लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इस लाइन ए बी की इक्वेशन तब हम फाइंड कर सकते हैं जब पहले पॉइंट ए हमारे पास मौजूद हो, जो नहीं है फाइंड करेंगे कैसे। वो क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है पी क्यू जॉइंट की मिड पॉइंट है, सिंपलीफाइड कर सकते हैं, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जॉइंट, पी एंड क्यू जॉइंट दोनों पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। आई बात समझ में? ठीक, और उसके बाद बी फाइंड करनी है, बी दैट्स व्हाट द लाइन सेगमेंट ए का एंड पॉइंट ए, सेकंड एंड पॉइंट बी फाइंड करेंगे। तो बी जो है आर एंड एस जॉइंट को डिवाइड कर रही है 3:1 में, ये भी समझा 3:1 कैसे आया। आगे बात समझ में? तो जिस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, उस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स ए एंड बी पहले कैलकुलेट करेंगे। कैसे? वो कंडीशन क्वेश्चन में दे रहा है उसके हिसाब से वो भी समझा। एग्री है? सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब देखें, मैं लिखा हूं यहां पर फ्रॉम डायग्राम पॉइंट जो ए है इस मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सही, पॉइंट ए जो है मिड पॉइंट है किसकी? पी क्यू की, वो लिखी मैंने। सो ए फाइंड करनी है, वी फाइंड ए, कैसे फाइंड करूंगा? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट है किसकी? पी क्यू की। तो पी एंड क्यू की दोनों के पॉइंट्स गिवन है, तो पी मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करनी है तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो लिखा ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला ए एक्स कॉमा y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, अब मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे पॉइंट ए के लिए, ए मिड पॉइंट है जॉइन पी एंड क्यू की, तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हियर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस टू कॉमा थ्री एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सिक्स कॉमा माइनस वन। ठीक, P फर्स्ट पॉइंट मींस इसके कोऑर्डिनेट्स x1 की वैल्यू माइनस टू, y1 की वैल्यू थ्री, Q इज द सेकंड पॉइंट हिज कोऑर्डिनेट्स ऑफ x2 इज सिक्स एंड
y2 equal to minus 1। सही है, आ रही बात समझ में? नेम असाइन किए ताकि फॉर्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूला में। सो ax comma y मिड पॉइंट है, x1 plus x2, x1 की वैल्यू minus 2, x2 की वैल्यू 6 divided by 2 comma y1 की वैल्यू 3 plus y2 minus 1 divided by 2, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब देखिए यहां पर नेगेटिव वन को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि प्लस साइन फॉर्मूला की ऑलरेडी है, इसीलिए लिखा है ताकि आपको भी इजीली समझ में आ जाए। माइनस टू प्लस सिक्स, सिक्स प्लस का है टू माइनस का, सिक्स में टू माइनस करेंगे फोर प्लस का डिवाइडेड बाय टू कॉमा थ्री। ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ब्रैकेट रिमूव हो जाए, नंबर इजीली हम प्लस या माइनस कर सके। प्लस टू माइनस माइनस हो गया वन डिवाइडेड बाय टू। सही है, जस्ट सिंप्लीफाई हो रहा था उसको सिंप्लीफाई किया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं। सो इस साइड पे यहां पर स्पेस है तो लिख सकते हैं, लिख रहा हूं ax कॉमा b इक्वल टू टू का टेबल फोर को लग सकता है टू टाइम कॉमा थ्री माइनस वन, थ्री को माइनस करेंगे बाकी टू डिवाइडेड बाय टू सेवन। ठीक, टू का टेबल फोर को डिवाइड किया और उस साइड में थ्री में वन माइनस किया, ये स्टेप। अब ए एक्स कॉमा वाई टू कॉमा टू डिवाइडेड बाय टू, टू को टू का टेबल लग सकता है वन टाइम, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो टू कॉमा वन। आई बात समझ में? तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स टू कॉमा वन आ चुके। ठीक है, थैंक यू, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करिए। आई बात समझ में? एग्री है। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो क्वेश्चन में क्या है, बी इज द पॉइंट 3/4 अवे पे। तो हमने ये समझा पॉइंट बी जो है आर एंड एस पॉइंट के नाम दिए, इस आर एस जॉइंट को डिवाइड कर रही है 3:1 में, 3:1 कैसे है वो भी हमने समझ लिया। तो रेशो की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे रेशो फॉर्मूला। सो आइए रेशो फॉर्मूला यूज करते हैं पॉइंट बी को फाइंड करने के लिए। कैसे वो फाइंड कर रहे हैं देखते हैं। सो नाउ पॉइंट बी जो है डिवाइड कर रही है द जॉइंट, कौन सी जॉइंट है, बी पॉइंट डिवाइड करे जॉइंट आर एंड एस को, जॉइंट आर एस इन द रेशो 3:1 में, डिवाइड कर रही है 3:1 में। तो क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये वर्डिंग नहीं बोल रहा कि 3:1 में डिवाइड करें, वो कह रहा है 3/5 द डिस्टेंस बोल रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया 3/4 जो डिस्टेंस बोल रहा है उस डिस्टेंस को हमने अपनी तरफ से समझा, मतलब क्या है तो रेशो कैलकुलेट किया, उसमें कंप्लीट लिमिट हिडन है उसको समझा। तो पॉइंट बी डिवाइड करिए रेशो आर एस को 3:1 में, तो सो पॉइंट बी को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रेशो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, रेशो की बात हो रही है तो रेशो फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बी कैलकुलेट करने के लिए अब रेशो फॉर्मूला यूज करना, तो रेशो फॉर्मूला पॉइंट पी बी एक्स कॉमा वाई के हिसाब से है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय M1 plus M2, ये रेशो फॉर्मूला जो यूज करने जा रहे हैं जो यूज करेंगे। ठीक, अब रेशो फॉर्मूला में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो यहां पर पहले साइन करेंगे। है B जो है डिवाइड करे जॉइन R एंड S को, तो R एंड S के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ताकि फॉर्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके। R के कोऑर्डिनेट 4, 3 एंड S के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 0, -3। ठीक, R फर्स्ट पॉइंट, S इज द सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1, S सेकंड पॉइंट है तो x2 की वैल्यू एंड y2 की वैल्यू। ठीक, असाइन की वैल्यूज को एंड ये तो वैल्यू होगी x1 y1 x2 एंड y2, बाकी जो m1 m2 टर्म क्या है, तो m1 एंड m2 जो दी जाती रेशोस वो रेशो m1 रेशो m2 जो है वो 3:1 है,
रेशियो में डिवाइड करें वो m1 रेशियो m2 की वैल्यू है। सही है, आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हो, bx y इक्वल टू m1 की जगह पे m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की जगह पे वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस 3 प्लस 1। सही है, वैल्यू लिखी है कामा m1 की जगह पे m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई y2 माइनस 3 m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 3 प्लस नहीं है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस 3 प्लस 1। ठीक है, सो जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए, अब मजीद सिंपलीफाई करेंगे। सो आप सिंपलीफाई करेंगे, प्लस माइनस देखते हैं कैसे, 0 मल्टीप्लाई 3 से 0 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 हो गया 4, 0 प्लस 4 मींस 4 डिवाइडेड बाय 4 कामा माइनस 9 प्लस 3 है, 9 माइनस का है 3 प्लस का है, सो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है तो मींस माइनस करना पड़ेगा 6, मगर माइनस के क्योंकि साइन हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसकी लिखी जाती है। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 दोनों को 2 का टेबल लग सकता है। ठीक है, तो 2 का टेबल डिवाइड किया तो ये है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आई पास समझ में। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट ए मिड पॉइंट थी उसके हिसाब से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, पॉइंट बी रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर दिए तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो चुके हैं। अब जिस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, मौजूद है तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उस स्ट्रेट लाइन में क्या मिला है, स्ट्रेट लाइन के दो एंड पॉइंट्स मिले, दो एंड पॉइंट्स मिले। ठीक, तो उसी की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस लाइन सेगमेंट की उस लाइन की दो एंड पॉइंट्स मौजूद है, तो कैसे फाइंड करेंगे, दो पॉइंट्स मौजूद है तो आइए वो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे फाइंड करने जा रहे हैं। सो लिखा नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, कैसे फाइंड करेंगे, By using AB line segment तो using two point form, जो equation find करनी है, equation find करने का जो method use करेंगे वो है two point form। ठीक है, line segment के एक end point A and second end point है B। ठीक है, so आइए वो देखते हैं points की values क्या क्या है। two point form जब वो two point form कौन सा है, तो two point form है x minus x1 divided by x2 minus x1 is equals to y minus y1 divided by y2 minus y1, इसको बोलते हैं two point form। ठीक, अब two point form में जो terms x1 y1 x2 and y2 है इनकी values कैसे आए, सिंपल है, तो इनकी values जो हमारे पास है वो क्या है, ये equation find करने जा रहे हैं वो किसकी, a and b की, तो point a and point b दोनों के coordinates हमने solve किए हैं, तो point a के coordinates है 2,1 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स जो अभी अभी सॉल्व किए हैं 1 का माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये है पॉइंट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, सो ए इज द फर्स्ट पॉइंट, बी इज द सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इस कोऑर्डिनेट का नाम x1 एंड y1, चलो ये x1 की वैल्यू 2 एंड y1 की वैल्यू 1, बी सेकंड पॉइंट है तो x2 की वैल्यू 1 एंड y2 की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके एंड सॉल्व कर सके। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, x माइनस x1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मींस 1 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 माइनस 3 अपॉन 2 y2 की वैल्यू माइनस करेंगे y1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, अपनी जो भी टर्म थे उनकी अपनी वैल्यू उनके रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे, आई बात समझ। अब करेंगे सिंपलीफाई, x माइनस टू 7,
वन माइनस टू करेंगे माइनस वन रहेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ लिखेंगे टू बड़ा है तो क्या करेंगे एलसीएम लेकर प्लस या माइनस करेंगे ठीक है। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर देखेंगे, थ्री का डिनोमिनेटर टू एंड बाकी वन का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो मीन्स वन है तो वन शो किया डॉटेड लाइन पे देगा क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर दोनों का देखेंगे टू है सेकंड का डिनोमिनेटर था नहीं तो मीन्स वन है तो एलसीएम सिंपली टू होगी क्योंकि सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है वन शो किया है। अब क्या करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस थ्री इसके अपान जो नंबर है सेम है तो एलसीएम में टू मौजूद है तो न्यूमरेटर रिमेंस है माइनस नेक्स्ट नंबर का न्यूमरेटर वन इस वन के अपान में कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे एलसीएम में जो नंबर है वो सेम इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लाई मैंने लिखा सही है। अब क्या करेंगे जे एलसीएम x माइनस वन ओ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस वन वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू वन टू जा टू डिवाइडेड बाय टू सिंप्लीफाई हुआ x माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस वन होल अपान में माइनस थ्री माइनस वन साइन साइन दो नंबर की प्लस करेंगे थ्री एंड टू फाइव हो जाएगा मगर माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू हो गया सही है। अब जो नंबर वाई माइनस वन डिवाइड हो रहा है वो नंबर खुद फ्रैक्शन में है फाइव अपॉन टू तो इस फ्रैक्शन में जो नंबर है इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं फाइव अपॉन टू माइनस करें टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस वन के साथ सही है। तो यहां पर डिवाइड में है अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इस टाइम नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा हो गया रेसिप्रोकल सही। अब क्या करेंगे अब करेंगे ये भी फ्रैक्शन में चल रहा है उस साइड भी फ्रैक्शन है फ्रैक्शन रिमूव करनी है इक्वेशन बनानी है तो डिनोमिनेटर्स उनकी जो रेस्पेक्टिवली है शिफ्ट करेंगे उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सो लिख रहा हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स के साथ आगे उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए फाइव मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स माइनस टू के साथ ये माइनस वन जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड माइनस टू ब्रेकेट में बाय माइनस वन के साथ माइनस टू ऑलरेडी है ठीक है माइनस वन में फाइव मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ फाइव एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ फाइव टू जा टेन इक्वल टू माइनस ये भी माइनस है माइनस टू माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ वन टू जा टू बाकी y माइनस वन ब्रेकेट साइन ठीक है मल्टीप्लीकेशन हुई। अब क्या कर रहे हैं देखते हैं सो देखिए मैं इस साइड पे मूव हो रहा हूं इसका सॉल्यूशन जो है साइड पे सॉल्व कर रहा हूं 5x माइनस 10 सेम है क्योंकि साइड पे स्पेस नहीं इक्वल टू अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे पहले y के साथ क्योंकि 2 ब्रेकेट मल्टीप्लाई हो रहा है 2y देन माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ 2 बन जा 2 ठीक मल्टीप्लीकेशन हुई। अब बराबर की साइड पे कुछ टर्म है कुछ टर्म उस साइड पे है तो रीअरेंज करेंगे एक साइड पे तो x वेरिएबल एंड y वेरिएबल किस साइड पे शिफ्ट करें तो उसके लिए एबीसी लेटर के मुताबिक जो वेरिएबल है उनमें देखें एबीसी मुताबिक जो पहले वेरिएबल आ रहा है x एंड y में x पर जाता है तो y वाले टर्म x वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे मगर पहला वेरिएबल x को पॉजिटिव रखना है अगर पॉजिटिव है तो y वेरिएबल वाले टर्म शिफ्ट करें अगर x वेरिएबल में टर्म पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव करने के लिए उसको y वाली साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है। सो देखें 5x पॉजिटिव है 10 माइनस में 2y साइड में माइनस का हो गया 2 माइनस का प्लस का हो गया इक्वल टू 0 क्योंकि वो सारे टर्म इस साइड पे शिफ्ट हुए तो बाकी साइड पे कुछ भी नहीं रहा तो नहीं 0 रहा सो अब करेंगे रीअरेंज 5x माइनस 2y 10 माइनस में 2 प्लस में दोनों कांस्टेंट नंबर है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है माइनस करेंगे 8 मगर 8 माइनस के रहेंगे इक्वल टू 0 क्योंकि जो साइन हमेशा बड़ा नंबर होता है उसकी लिखेंगे सो ये है फाइनली इस ए रिक्वायर्ड इक्वेशन जो क्वेश्चन गिवन था उसके हिसाब से कंडीशन आई बात समझ में ठीक है कोई डिफिकल्ट नहीं है सिंपल था तो मेन चीज में वही बोल रहा हूं हर प्रॉब्लम में जस्ट क्वेश्चन को हमें समझना है
क्या कहना है उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के हिसाब से जस्ट क्वेश्चन में अगर समझ में आ गया हाँ, जो रिक्वायर्ड टर्म है फाइंड आउट करना है, वो फाइंड कैसे करें। जैसे इस प्रॉब्लम में इक्वेशन फाइंड करनी थी ए बी की, तो उसके लिए हमारे पास ना पॉइंट ए के वर्टाइसिस थे ना पॉइंट बी के वर्टाइसिस थे, तो हमने पहले ए एंड बी के पहले वर्टाइसिस कैलकुलेट किए हैं जो क्वेश्चन में गिवन था उसके हिसाब से, एंड देन इक्वेशन आ गया आपके सामने। सही है, ठीक है गाइस, समझ करता हूं समझ में जरूर आ गया होगा। बाकी अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करें, वीडियो है अगेन एंड अगेन, आप जिस पॉइंट पे समझ में आए उस पॉइंट को अगेन एंड अगेन समझिए, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें, जरूर समझ में आ जाएगा। कोई भी नहीं है, सिंपल है, जस्ट फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। सही है गाइस, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में फिर से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।